Welcome to my channel, friends. I'm Mukesh. Today in this video, we are going to learn how to use feel like. First of all, we talk about the Hindi meaning of feel like. Feel like को हिंदी में क्या बोलते हैं? जी कर रहा है, मन कर रहा है, दिल कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह का अगर वर्ड आए किसी सेंटेंस में, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे फील लाइक का. यह फ्रेज है, ठीक है, इसका यूज हम लोग सीखते हैं तो बहुत ही मजा आएगा ये सीखने में. मुझे पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे मुंबई जाने का मन कर रहा है, मुझे टीवी देखने का मन कर रहा है, मुझे तुम्हारे साथ डांस करने का मन कर रहा है, मुझे उसके साथ घूमने की इच्छा हो रही है, मुझे यह खाने की जी हो रही है, मुझे यह काम करने का मन कर रहा है, मुझे तुम्हारे साथ बीच पर घूमने का मन कर रहा है. तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे फील लाइक का. और इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा एक भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग मिस ना कर पाइए. बिकॉज इस तरह का मैं बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन. अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, दिस ऑल आर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट राइट करने के बाद सेकंड नंबर में लगाएंगे फील लाइक, एफ डबल ई, फील, एल आई के ई लाइक, फील लाइक. और नेक्स्ट में राइट करेंगे वी फोर, मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म आई एन जी के साथ. वी वन में आई एन जी लगाते हैं उसको वर्ब फोर बोलते हैं और वी फोर लगाएंगे इसके साथ. नेक्स्ट राइट करेंगे ऑब्जेक्ट. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. मुझे तुम्हारे साथ डांस करने का मन कर रहा है. मुझे तुम्हारे साथ डांस करने का मन कर रहा है. इस सेंटेंस में पहले है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? मुझे. मुझे को बोलेंगे यहाँ आई, मी नहीं राइट करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा आई होता है. आई राइट किए उसके बाद राइट करेंगे फील लाइक. सेकंड में राइट करना है फील लाइक. नेक्स्ट राइट करेंगे वी फोर, डांस करना. डांस करना को वी फोर होता है डांसिंग. आई फील लाइक डांसिंग विद यू. आई फील लाइक डांसिंग विद यू. इस सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. आई फील लाइक डांसिंग विद यू. मुझे तुम्हारे साथ डांस करने का इच्छा हो रहा है या मन कर रहा है या दिल कर रहा है. कुछ भी हो फील लाइक से बनेगा. मुझे समोसा खाने का मन कर रहा है. मुझे समोसा खाने के मन कर रहा है. इस सेंटेंस में आई फील लाइक ईटिंग समोसा. आई फील लाइक ईटिंग रिसोल्स. आई फील लाइक ईटिंग रिसोल्स. समोसा को इंग्लिश में रिसोल्स बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले राइट किया आई, सेकंड में राइट करना है फील लाइक, उसके बाद राइट करना है बी फोर और हमारा बी फोर है ईटिंग, उसके बाद नेक्स्ट है समोसा. समोसा को बोलते हैं रिसोल्स. तो सेंटेंस हमारा हो गया आई फील लाइक ईटिंग रिसोल्स. मुझे टीवी देखने का मन कर रहा है. तो मुझे टीवी देखने का मन कर रहा है. आई फील लाइक वॉचिंग द टेलीविजन. आई फील लाइक वॉचिंग द टेलीविजन. तुम्हें मेरा वीडियो देखने का मन कर रहा है. यू फील लाइक वॉचिंग माई वीडियो. यू फील लाइक वॉचिंग माई वीडियो. तुम्हें कैटरीना के साथ डांस करने का मन कर रहा है. यू फील लाइक डांसिंग विद कैटरीना. आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद राइट करेंगे डू या डज, उसके बाद राइट करेंगे नॉट, क्योंकि नॉट जो हमेशा थर्ड नंबर में आता है. नेक्स्ट राइट करेंगे फील लाइक, उसके बाद राइट करेंगे जो भी वर्ब आएगा उसमें बिफोर लगाएंगे, जेरंड फॉर्म यूज करेंगे और नेक्स्ट राइट करेंगे ऑब्जेक्ट. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. मुझे यह काम करने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस वर्क. आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस वर्क. तो सेंटेंस में डू नॉट को डोंट बोलते हैं. डू प्लस नॉट को जब कॉन्ट्रेक्शन दिखाना हो तो हम लोग एक सिंपल में राइट कर देते हैं डोंट.